कैमूर, जहानाबाद, नालंदा, सहरसा, दरभंगा, बात सिर्फ बिहार की नहीं है, पूरे देश की अब बात हो रही है। क्या देश में आधी आबादी सुरक्षित नहीं है? आप देख रहे हैं द न्यूज रूम, मेरे यानी कविता सिंह के साथ। आज मेरे साथ उदय प्रताप सिंह है। न्यूज एक्स में कई ऐसे डिबेट्स हैं जिनको ये हैंडल करते हैं, जिसमें यही सवाल उठाया जाता है। आज तो नन की भी बात होगी, बात केरल की भी होगी, लेकिन उससे पहले मैं बिहार पर आऊंगी, पूरे देश पर आऊंगी। बड़ा सवाल उदय यही है, पूरा देश एकजुट हो गया था निर्भया कांड के टाइम पे, कानून में भी बदलाव किया गया था, निर्भया फंड भी बनाया गया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हो रही थी, लेकिन बदला क्या देश में? कुछ भी नहीं बदला है कविता। अगर देखा जाए तो महिलाओं पे अत्याचार दोहराए जा रहे हैं, एक राज्य में ही नहीं पूरे देश में दोहराए जा रहे हैं, ऐसे जघन्य अपराध आ रहे हैं, कानून सख्त हुआ है निर्भया के बाद, पूरे देश उतर आया था सड़कों पे। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है क्या? एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे हैं, पुलिस की तरफ से इच्छा शक्ति की कमी हो रही है। बिल्कुल, पुलिस के तरफ से भी हो रहा है, बट मंत्री का पेटने जब भी रहता है तो इस वजह से भी लोग कहते हैं कि देखो मंत्री भी इन्वॉल्व हैं इसमें, तो कानून का पालन अगर वो नहीं करेंगे तो हम क्यों करें। आप देखो जैसे मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर कांड इतना जघन्य था क्योंकि शेल्टर होम में भी अगर ऐसे किस्से दोहराए जाएंगे, और उस शेल्टर होम में जहां बिहार के एक मंत्री का भी पेटनेज था, हाँ उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, मगर ऐसे किस्से जो हैं वह अब भी हो रहे हैं और केरल में भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पुलिस से सवाल करते हो तो पुलिस साफ तौर पर यही कहती है कि हम तो जी एक्शन लेने के मूड में होते हैं, फिर हमें 100 फोन आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का दबाव होता है और उनके लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक ज्यादा मायने रखता है। आपको लगता है इन सब के बीच पिस रही है तो आधी आबादी ही पिस रही है? बिल्कुल, हम अगर केरल की बात करें जहां एक नन ने बहुत संज्ञान आरोप लगाए हैं एक बिशप पर, तो 75 दिन तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। अब क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंचा है तो अब पुलिस ने एफिडेविट कोर्ट में दर्ज करवाया है, अब जाके बिशप को पूछताछ के लिए बुलाया है केरल। चर्च में ऐसा हो सकता है उदय, तो फिर पूरे देश में क्या हो सकता है? उस नन ने ये कहा 2014 से लेकर 2016 तक, उसके बीच वो उसने अपने इमीडिएट सुपीरियर से भी बात की, तब भी कोई एक्शन उस बिशप के खिलाफ नहीं लिया गया। आखिरकार थक हार कर इंसाफ की गुहार लेकर वो वैटिकन सीधा पहुंच गई है। क्या देश की न्याय प्रणाली पर कोई विश्वास नहीं रहा? वो कह रही है चर्च मां नहीं है, ये तो सौतेली मां है। ये देश के लिए बहुत बड़ा धप्पा है कि उसे रोम पहुंचना पड़ा उसकी गुहार लेकर, उसे वैटिकन तक जाना पड़ा क्योंकि यहां उसे कोई राहत नहीं मिली। 75 दिन, जैसे मैं कह रहा हूं कविता, कि उस पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया, एक अरेस्ट तक नहीं हुआ, एक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। उस पर उदय, जब नेता ऐसे शर्मसार कर देने वाले बयान देते हैं कि 12 बार तो कंसेंशुअल सेक्स हुआ, एक बार रेप की बात कर रही है, मतलब महिला के आचरण पर ही आपने सवाल उठा दिए नन के। और विधायक जी कह रहे हैं ऐसी बात, विधायक जी उनको वेश्या के का दर्जा दिया जा रहा है, तो ये बहुत जघन्य है। और उस विधायक पे कोई कार्रवाई नहीं होती, हाँ वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, मगर केरल की असेंबली जो है उनके खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं पारित करती? बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर तौर पर उदय यही तो वजह होती है कि कई बार तो महिलाएं इसी शर्म की वजह से थाने तक नहीं पहुंचती रिपोर्ट कराने के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस एक नन के पक्ष में भी, बट उनके खिलाफ चर्च ने कार्रवाई की, चर्च उनको दबाया जा रहा था उनको चर्च के बिहाफ पे, और इस वजह से बाकी लोग भी चौंक गए हैं कि नन की हिफाजत करें या नहीं। आज हमारी डिबेट पे ऐसी महिलाएं थी और वो नन आके ये बोल रही थी कि हमें बचपन से ही सिखाया गया था कि ये जो चर्च है ये हमारी माँ है, आज हमें पता चला ये समाज तो क्या, चर्च तो क्या सभी सौतेली माँ है, इस तरह का बयान देना। और मैंने उनको ये जरूर याद दिलाया कि बाबा राम रहीम और आसाराम बापू के किस्से जब भी आए थे तो उनके भक्त ने यही कहा था, मीडिया को गाली दी थी, बिल्कुल ये अंधभक्ति है, मीडिया को गाली दी थी कि ये हमारे बापू हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और आज जब कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है तो उन्होंने मीडिया से माफी मांगी है, उन्होंने उन पीड़िता से माफी मांगी है। नहीं, ऐसा बात कहना बहुत आसान हो जाता है कि कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को बदलने से कुछ नहीं होगा, समाज का जो दोहरा चरित्र है जो इस बार नन केस में भी सामने आया है, इससे पहले भी आया, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आप पहनावे की बात करते हैं, अमूमन उसके बाद इस तरह की बात होती है कि जब एक लेडी जस्टिस को जब फैसला सुनाना होता है तो वो यही बोलती है कि मैं 12 महीने की बच्ची को क्या पहनाऊं, उसके साथ भी तो बलात्कार हो रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाला मामला तो मध्य प्रदेश से सामने आया, 45 साल की एक माँ, उसका बेटा 30 साल का, उसने उसका बलात्कार किया है, तो बच्चियों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। और यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नेता जो हैं वह इन मुद्दों को उठाते नहीं है। प्रॉब्लम इज कि वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक इशू नहीं है, यही तो बात आ जाती है कि वो जात का इशू जरूर उठाएंगे, वो धर्म का इशू जरूर उठाएंगे, मगर ऐसे किस्सों को नहीं उठाएंगे। मैं तो कहता हूं जात और धर्म के आधार पर नहीं वोट देना चाहिए लोगों को, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे नेता जो ऐसे शर्मसार बयान देते हैं और इन पीड़िताओं और रादर इन आरोपियों के खिलाफ इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनको हमें निकालना चाहिए राजनीति से, उनको वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यानी देश को बदलना होगा, वोटर को बदलना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा।
उदय बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमें जरूर फॉलो करें आप ट्विटर पर और फेसबुक पर, और साथ ही साथ यूट्यूब पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि द न्यूज रूम में हम जितने भी वीडियोज को अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।